बाइक्स ही बाइक्स। बहुत पता कि ये है क्या चीज भाई, ये पूरा जवाब है। यार ये भाई हैं, ये बाइक लेने आए, नीचे देखा है ठीक है, उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है हम बाइक में जाकर थोड़ी चेंजिंग करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जब मैंने नीचे आकर देखा तो रात को तूफ़ान आया हुआ था, तूफ़ान के साथ बारिश भी आई हुई थी। हालांकि मैंने इसको कल ही जो है वाश किया था, वाश करवा के लाया था मैं, लेकिन आके देखा तो इंतहाई गंदी हुई थी। ठीक है, ये मैं इसके ऊपर जो है तो कवर करना भूल गया था रात को, और बारिश जो है वो यहाँ से आती रही है। ठीक है, तो पहले तो इसको धोने से पहले मैं ज़रा अपना हुलिया सेट कर लूँ। ठीक है, काफ़ी बिगड़ गई है हालत मेरी, तो हुलिया सेट करता हूँ, उसके बाद इसको जो है साफ़ करते हैं और फिर निकलते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है आज। सो गाइस, मैं तो हो गया हूँ रेडी, और बाइक भी हमारी है रेडी, और इसमें चेंजिंग हमने कुछ यूँ करनी है कि इसकी ग्लासेस कह रहा हूँ, इसके जो उनसे शीशे हैं, मिरर्स काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब ओवरटेक वगैरह में या बाइक चलाने में कोई पता नहीं चलता कब कहाँ से आ जाए, तो मुझे बार बार पीछे मुड़कर देखना पड़ता है, जो कि काफ़ी प्रॉब्लम देती है। वो करवाएंगे, और वहाँ पर और भी सारी चीज़ें होंगी वो भी देखेंगे। तो वहाँ पर अगर कोई भी चीज़ चेंज करवानी पड़ी तो वो मौके को देख के ही उसी टाइम जो है ऑन द स्पॉट ही सेलेक्ट करके हम वो करेंगे। तो चलते हैं अपनी राइड पे और मिलते हैं आपसे बाइक पे।
ये देखें गाइस, हैवी बाइक्स ही बाइक्स, क्या बात है। यहाँ पर आके ना दिल गार्डन गार्डन हुआ था। ये तो जो है तो चाइनीज़ हैं, ठीक है, और नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर पर, वहाँ पर जो है वो सारे जो है मॉन्स्टर बाइक जिसे कहते हैं वो खड़े हैं, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। लास्ट टाइम भी आया था तो मैं सोच रहा था कि ये है क्या चीज़ भाई, ये पूरा जहाज है, पूरा इसमें कंट्रोल दिया हुआ, पता नहीं क्या पूछे इसमें, आप चलते चलते चाय भी पी सकते हैं यार। ये ना आल्टो की पूरी जगह घेरती है, जितनी भी हमारी ये पाकिस्तानी आल्टो है ना, सुजुकी आल्टो, ये उससे हैवी लग रही है मुझे भाई। चलाएगा कौन इसमें, तो अगर बैठे और आगे जंप आ गया तो नज़र भी नहीं आएगा। मेरे ख्याल में शायद यहाँ स्क्रीन दी है, यहाँ से जो है वो शो होगा। खैर आगे चलते हैं, ट्रेल बाइक, ये 250 cc, ये जिप्सर। ये है मेरा वाला बाइक, मेरा वाला नहीं है, मेरे वाले के साथ का। ये रेड कलर में है, जो कि मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, ब्लैक कलर बेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा लगता है। निंजा का जो है 600, वो आ गया 800 और 800 या वहाँ का। ऐसा इसकी शेप ऐसी बनी हुई जैसे इसका ना नज़ला हुआ, फ्लू हुआ, ये भी ऐसी। हमारा कड़ा हुआ है और हमने सोचा है कि अभी इसके मिरर जो है वो चेंज होने लगे हैं, और मैं सोच रहा हूँ इसके एग्जॉस्ट भी जो है हम चेंज करवाएं, तो चेक करते हैं जो भी बेस्ट साउंड देगा वो हम करवा लें। सो गाइस, ये हमारे एक बड़े प्यारे भाई हैं, उन्होंने कमेंट करके कहा था कि भाई एग्जॉस्ट जो है वो आपका मज़े का साउंड नहीं दे रहा था, M4 लगवा लो। और उनके कहने के ऊपर अभी हम ये M4 का साउंड चेक कर दें। वैसे मुझे तो उसका ही काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन ये चेक कर लेते हैं, अगर ये ज़्यादा बेस्ट हुआ तो फिर यही लगवा लेंगे। ट्विटर वगैरह पीछे आ जाएगी, वीडियो करोगे? ठीक है। हमने वो दोनों ही जो है चेक करके देख लिए, लेकिन ये आपको फिर भी नज़र आ रहा है यहाँ पर, उसकी वजह ये है कि इसकी असल जगह यही है, क्योंकि
M4 का भी इतना साउंड नहीं है जितना इसका है, जितना अच्छा साउंड इसका आ रहा है। और दो तीन जो है हमने बॉस चेंज करके देखे हैं, लेकिन सब में बेस्ट ये है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, पहले अच्छा था लेकिन थोड़ा सा शायद डाउट मुझे भी था, लेकिन अब वो डाउट भी क्लियर हो गया भाई। ये ZS का ओरिजिनल एग्जॉस्ट यार। ये भाई हैं, ये बाइक लेने आए और इनको ये वाला बाइक पसंद है, तो मेरा वाला बाइक देख कर उन्होंने बोला है कि आप मुझे ज़रा सजेस्ट करें कि कौन सा बाइक। तो है तो प्यारा ये, लेकिन इतना प्यारा मुझे लग नहीं रहा। उनको दिखाता हूँ, ऊपर मेरा रेड वाला खड़ा हुआ है, वहाँ पे चलते हैं, उनको दिखाता हूँ, वो शायद इनको पसंद आ जाए। अभी हम आए हैं यहाँ पे इस फ्लोर पे। यार ये मेरे पास ब्लैक में है, ठीक है, ब्लैक वैसे कलर मुझे बहुत पसंद आता है, इसलिए मैंने ब्लैक में लिया है, लेकिन आप रेड में भी देख लो। आपने अभी जो नीचे देखा है, ठीक है, उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप इसके फ्रंट पे जाओ, इसकी फ्रंट लुक चेक करो आप खाली, और ये उससे वेट में भी हैवी है। मतलब आपको फील होगा कि आप सुपर बाइक चला रहे हो, हैवी बाइक चला रहे हो। चेक करें यहाँ से, यहाँ पर आप इसको सिटिंग पोस्चर भी देखें। यार मैंने अभी तक इस पर ना, मैंने कश्मीर हाईवे पे 175 तक स्पीड लेकर गया हूँ मैं, उससे आगे मुझे जगह नहीं मिली, लेकिन चल जाती आगे। हाँ हाँ भाई, ये बहुत पावरफुल बाइक है, और वैसे ज़्यादा तौर पे मुझे ये पसंद है। मैं आया था दूसरी लेने के लिए वेलेंटिनो, लेकिन जब मैंने ये देखा तो मुझे ये पसंद आ गया था। तो मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने लेना है, चेंज कर रहे हैं आप बाइक, तो आप ये ले लें, ये वाला बेहतर है। इसकी बात करते हैं, इसकी बात करें, ये आप वो भी आप वैसे टेस्ट ड्राइव ले लो, क्योंकि मैंने जब आया था ना, मैंने टेस्ट ड्राइव भी नहीं ली थी, मैंने ऐसे ही ले लिया था। लेकिन आप दोनों की एक दफ़ा टेस्ट ड्राइव करो, और जो आपको अच्छा लगता है फिर आप बता दें। यार ये नहीं, आप अगर अपडेट कर रहे हो ना 250 से 400 पे, ठीक है, तो मैं तुम्हें सोचता थी यार ये इसको, मतलब सेम ही फीलिंग्स होगी, सेम ही फीलिंग। अब मैं इस पर बैठा हूँ ना, कोई खास फीलिंग नहीं आ रही ना, ये कैसी है ना, इसका कोई वेट है और ना वो एक फीलिंग आ रही है। तो वही वाला देखें आप, वो वाला चेक करें, वो वाला ज़्यादा बेहतर है। क्या बात है, क्या बात है, ये हमारा हो गया, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।